ओके तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ब्रेव बॉय की वीडियो। उन्होंने बनाया है हाउस ऑफ जोशी डिस्ट्रॉयड हिज एंटायर रेपुटेशन इन 30 मिनट्स। तो चलो भाई देखते हैं कि इसमें क्या क्या होती है चीज़ें। चलो पता नहीं मैं गाना क्यों गा रहा हूँ। खैर दिस इज सौरभ जोशी, इंडिया का नंबर वन ब्लॉगर एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट हेटेड क्रिएटर। इनके चैनल पर एक टाइम पे लैक ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ते थे डेली के, पर अभी अगर तुम इनके कमेंट सेक्शन एक चीज़ भाई देखो, बात ये हो जाती है कि जब आप इस इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाते हो तो हेट आना और साथ ही साथ ऑडियंस का सपोर्ट आना बहुत कॉमन चीज़ है भाई। इनको देखो तो लोग इनको एटीट्यूड किंग, घमंडी और न जाने क्या कुछ नहीं बोलते। इवन इनके खुद के कजन ने इनको एक्सपोज कर रखा है। ऑल्सो सौरभ ने ऐसा क्या कर दिया कब था कि हल्द्वानी के ये लोग मुझे नहीं इनके पता ऊपर भाई, प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये नहीं सो पता आज मुझे। के वीडियो में यही कुछ बात हम लोग क्लियर करेंगे अबाउट सौरभ जोशी, हाउ ही बिकम एडिटिंग मोस्ट इज लव गुड टू भाई। मोस्ट इनके वॉच चैनल की लिंक क्रिएटर। सो डिस्क्रिप्शन में लेट्स होगी, स्टार्ट। आप ये लोग और बात भी हाथ देख जोड़ सकते के कह हो। रहे हैं ओ भाई लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान, हल्द्वानी को पहले ये कोई गलत जानता था भाई, नहीं। ये सीन गलत था। शुरू से ही सौरभ जोशी व्लॉगिंग में नहीं आर्ट्स में पॉपुलर था और इनका मेन सब चैनल का जानता है नाम भाई। था सौरभ जोशी आर्ट्स, जिस पर वो काफी सारे आर्ट ड्रॉ किया करता था अगर ये भाई सेलिब्रिटीज एंड बहुत तगड़ा क्रिएटर्स का। फिर उन्होंने एक ब्लॉग भाई, जस्ट लुक एट दिस डैम शिट भाई, देख रहे हो कितना तगड़ा है भाई। अगर मतलब ये क्या सौरभ भाई ने बना रखा है पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता, बस थंबनेल वगैरह नजर आ रहा है, बट अगर ये उन्होंने बनाया ना भाई, डैम गुड भाई, डैम गुड। चैनल ओपन किया बाय द नेम ऑफ सौरभ जोशी ओ व्लॉग, कैसे दिखते थे बट भाई वो सौरभ भाई, चैनल सम कैसा रीजन दिखता था इस मोनिटाइज नहीं वक्त। हुआ, जिस वजह से उस चैनल को सौरभ ने छोड़ दिया। फिर से उन्होंने और एक चैनल को ओपन किया सौरभ जोशी व्लॉग्स, एंड जिस दिस पर वो वाज बिहाइंड द सीन्स के साथ फैमिली व्लॉग्स दी को भी पोस्ट बूम किया करता था, जहां चैनल। उनको एक नॉर्मल रिस्पॉन्स मिला क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर ऑलरेडी थे, जैसे फ्लाइंग बीस्ट, टेक्निकल गुरुजी, मुंबई का निखिल, ये सब ट्रैवल व्लॉग्स बनाते थे और उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस भी थे, इसीलिए फैमिली पता नहीं व्लॉग्स भाई। कम ही देखा। हाँ टेक्निकल गुरुजी के बारे में क्या तुम लोग जानते हो, मतलब उनके व्लॉग्स वगैरह आते क्या? गौरव चौधरी नाम का उनका एक चैनल है, शायद उस पर व्लॉग्स वगैरह आते थे, बट अब का नहीं पता भाई, अब का नहीं पता। करते थे ऑडियंस। फिर लग जाता है लॉकडाउन एंड इस टाइम पे लोग घर एंड में दिस बंद हो वॉज द चुके थे एंड पीरियड बड़े बड़े क्रिएटर जहां पर सभी का चैनल बूम हुआ था भाई, सभी का। चलो देखते हैं। ट्रैवल व्लॉग्स को छोड़ के दे आर डूइंग फैमिली व्लॉगिंग, जो कि सौरभ जोशी पहले से करता हुआ आ रहा था। एंड ऑडियंस को पटा अदर था क्रिएटर भाई, के इस व्लॉग वक्त से अच्छा सबका सौरभ चैनल का पटा व्लॉग था। लगने लगा था क्योंकि वो जहाँ रहता। काश इस वक्त भी मैंने मेहनत कर लिया होता भाई। ओह चलो ठीक है, था वो जगह नेचुरली क्लीन एंड मिडिल क्लास सिचुएशन को वो पोस्ट किया करता था। लोग हाँ रिलेट कर रहना ऐसे पाएंगे, ही है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है लोग रिलेट कर और पाएंगे भाई। मैंने टारगेट करा जो मिडिल क्लास लोग हैं इंडिया में, जिससे ऑडियंस उनके स्मार्ट साथ मूव। अच्छे से एंगेज हो पाते थे। फिर एक वीडियो अपलोड किया, आई थिंक मुझे याद है, बाय द नेम ऑफ फोन का पासवर्ड लगा के भूल गया एंड ये वीडियो देखते देखते बहुत वायरल हो गया फटी एंड थी भाई धीरे ये वाली धीरे मानो वीडियो। उनका चैनल वाज बूम। उस टाइम पे उनका हर एक वीडियो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहा था और देखते देखते ही गेन लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर। फिर बच्चे सौरभ बच्चे को पता चल गया था कि पीयूष का क्रेजीनेस लोगों को पसंद आता है, ऑल्सो बहुत अच्छा लगता है उनको। फिर पीयूष से रिलेटेड काफी सारे कैची थंबनेल लगा के ही स्टार्ट बच्चे पोस्टिंग व्लॉग्स। मुझे भी कोई बच्चों वाली ऑडियंस दे दो भाई, मैं भी व्यूज छापूंगा उन्हें एक्सप्लॉइट कर करके। चलो आगे देखा जाए। वो सही था, सारे वीडियोस बहुत वायरल हो रहा था एंड देखते देखते ही बिकम नंबर वन ब्लॉगर इन इंडिया। बीच में सौरभ ने एक रिकॉर्ड भी सेट कर लिया था, 100 डेज 100 ब्लॉग 100 ट्रेंडिंग, कि हमने 100 डे 100 ब्लॉग 100 ट्रेंडिंग कम। और सौरभ ने मानो एक नया जॉनर लाया था जहां बच्चों से लेके इंडिया के 50% लोग अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किए थे उनको देख के। अब इतने लोग प्यार करने वाले होंगे तो कुछ लोग नेगेटिव लोग तो होंगे जो कि हेट करेंगे उनको, और यहीं से शुरू होता है ऑब्वियसली सौरभ भाई, जोशी का हेट जर्नी, जहाँ पे कुछ ऑडियंस ये बोल रहे थे कि पीयूष के नाम पे तुम व्यूज ले रहे हो, स्टफ लाइक दैट। देखो इसको यहां पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं ठीक है। अगर तुम्हारे पास, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ फ्रॉम अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव ठीक है। अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज है जिन्हें तुम एक्सप्लो, मैं यहाँ पर मोरालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि सही गलत क्या, वो सब अभी भाड़ में जाए। फ्रॉम अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव तुम ग्रो करना चाहते हो ठीक है, फ्रॉम अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव तुम ग्रो करना चाहते हो एंड तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो तुम क्यों नहीं उन्हें एक्सप्लॉइट करके ग्रो कर जाओ। अब डिपेंड ये करता है कि भाई तुम ग्रो कर, अब
डिपेंड ये करता है कि उन रिसोर्सेज को यूज़ करना, जैसे कि सौरभ जोशी के केस में ये मतलब ये बच्चे थे ठीक है, तो ये उन्हें एक्सप्लॉइट करके अपना ग्रो कर गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लोगों को भी देखने में पसंद आ रहा है वगैरह वगैरह। प्राइवेसी जाए भाड़ में, जब आपके पास ये थोड़ी सी आ जाती है ना तो प्राइवेसी भाड़ में जाती है ठीक है, प्राइवेसी वाइवेसी मैटर नहीं करती है, चुपचाप से ये दो और लोग खुले पड़े भाई खोल देंगे अपनी सारा, मतलब समझ लो भाई प्राइवेसी इसके सामने प्राइवेसी ठीक है। तो बस मैं वही बोलना चाहता हूँ कि यार फ्रॉम अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव अगर आपके पास रिसोर्सेज है, अब जैसे अरमान मलिक को ही देख लो भाई, दो दो बीवियाँ लेकर घूम रहा है ना भाई वो, तो फिर तो सौरभ इग्नोर कर दिया था, अब जो होने वाला लोग वहाँ पे तुम्हें वो खैर छोड़ो यार क्या ही बोलूँ, जस्ट समझ लो वो पीली वेबसाइट्स पे जो तुम्हें देखने को मिलता है वो उसका मीडियोकर माइल्ड वर्जन तुम्हें यहाँ पर अरमान मलिक पड़ोस के दे रहा है था वो सौरभ जोशी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सौरभ जोशी एंड पीयूष मिलने जाते हैं संभावना सेठ से, वहाँ पीयूष संभावना सेठ के ऊपर एक गलत रिमार्क पास कर देता है। तूने मेरी कॉपी भाड़ में दी, तू अब ये बोलेगा, जिससे पीयूष को लोग एटीट्यूड किंग, घमंडी और न जाने क्या कुछ बुलाने लगते हैं, बोल देते हैं। एंड उसके बाद सौरभ जोशी एपोलॉजी वीडियो अपलोड करते हैं एंड एक फैसला लेते हैं कि अब से पीयूष को व्लॉग में नहीं लेंगे, कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, करेंगे भी तो पीयूष को नहीं लेंगे, बिकॉज़ उसके अंदर मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी, जिसको भी बुरा लगा तो मैं प्लीज हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहूंगा, जिसको भी बुरा लगा ये बातें अभी। पर इससे भी लोग ऑफेंड हो गए एंड बोलने लगे कि पीयूष को व्लॉग में लो क्योंकि ऑडियंस, बच्चे कैमरे लेकर घूम रहे भाई, भाई क्या बोलूँ मैं, मतलब जिस एज में तुम्हें गिल्ली डंडा लेकर, मतलब एक एज था भाई, मतलब हमारा पीरियड था जहाँ पर टायर के पीछे हम लोग दौड़ा करते थे एक लकड़ी लेकर के ठीक है, और अभी के टाइम में लिटरली बच्चे आईफोन लेकर के घूम रहे हैं भाई, आईफोन नहीं तो एक स्मार्टफोन तो होगा ना कम से कम, लेके घूमे पड़े हैं भाई। में ली पीयूष को ही देखने आते थे उनका क्रेजीनेस, पर ये बात भी उतना आगे तक नहीं गया। बट फिर और एक कांड हो जाता है जब लोगों ने सौरभ के ऊपर ये एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दिया कि कोई जब उनसे मिलने जाता है तो उनका एरोगेंट बिहेवियर, ऑल्सो वो बहुत ज्यादा घमंडी हो चुके हैं, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते, जिससे सौरभ को काफी हेट मिला, ऑल्सो इस वजह से उनका नाम रख दिया घमंडी सौरभ जोशी। फिर सौरभ के लाइफ में सब कुछ ठीक ही चल रहा था तभी इनके कजन के भाई ने इनको एक्सपोज कर देते हैं, सोनू गोयात, जिनको आप सब सोनू भैया के नाम से जानते हैं, इनको आपने सौरभ के ओल्ड व्लॉग्स में देखे होंगे। जब सोनू गोयात ने अपने फ्रेंड्स के साथ इंस्टा पे लाइव आके सौरभ को एक्सपोज कर दिया था, तो कुछ बातें होती हैं जैसे मान लो हम ऐसे लोगों के पास जाना छोड़ देते हैं जहाँ पर हमें पहले जैसी रिस्पेक्ट ना मिले या हमारा हमारी केयर ना की जाए, जिस बंदे के लिए हमने इतना कुछ किया वो हमें इग्नोर करे, तो फिर क्या फायदा ऐसे लोगों। इससे सौरभ जोशी को काफी हेट क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ गया था एंड सोनू गोयात के व्लॉग्स में लोग ये कमेंट्स करने लग गए थे, बंदा अपना पुराना दिल भूल गया है, सोनू भैया ने बहुत हेल्प करी थी इनकी, आई डोंट लाइक सौरभ जोशी एंड हिज फैमिली, पुराने दिल भाई पुराने दिन भूल गया है ठीक है, बंदा अपना पुराना दिल नहीं पुराने दिन भूल गया है, स्पेलिंग मिस्टेक। ये बात भी फेड अप हो गया, बट इससे भी बुरा तब हुआ जब पूरे हल्द्वानी के लोग इनके ऊपर गुस्सा थे, इवन इनके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे, बेसिकली सौरभ जोशी ने कुछ गलत रिमार्क पास कर दिया था हल्द्वानी को, बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं, हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जानता है, गलत चीज, बहुत गलत ये चीज, गलत हो गई, ये बहुत ज्यादा बैकफायर किया था उस वक्त, बहुत ज्यादा ये स्टेटमेंट बहुत बैकफायर किया था भाई, पानी के लोग सौरभ के नाम के पुतले एंड पोस्टर जलवा रहे थे, हालांकि इसके बाद सौरभ जोशी एंड उनके मम्मी ने सबसे एपोलॉजी भी मांगा, पर इन सब के चलते सौरभ जोशी को काफी बैकलैश एंड हेट मिला। फिर सौरभ जोशी और एक कंट्रोवर्सी में फंस जाता है, ये कंट्रोवर्सी हुआ था तीन लोगों के बीच, गोरा ब्लॉगर नियॉन मैन वर्सेस सौरभ जोशी, बेसिकली गोरा ब्लॉगर बहुत दूर से सौरभ जोशी से मिलने आते हैं एंड देन सौरभ जोशी उनको मना कर देता है, जिस वजह से गोरा ब्लॉगर अपने वीडियो में कुछ ये बताए थी यार, डाम से कोई वीडियो नहीं शूट कर रहे थे हम यार, आज दे रही एटीट्यूड किंग की कॉलोनी जा रहा हूँ भाई मैं। इसके बाद नियॉन मैन ने इस न्यूज को कवर कर लिया था एंड उसके थोड़ी देर बाद सौरभ जोशी एक लंबा कमेंट करता है जिस पर वो ये लिखता है, शेम ऑन यू नियॉन मैन कि तुम व्यूज एंड पैसों के चक्कर में इस न्यूज को कवर किए हो। फिर नियॉन मैन कुछ ये कहता है, ऊपर मैं भी रिप्लाई देना चाहूंगा। देखो बात यहाँ पर ये हो जाती है ना कि यहाँ पर कोई फ्री का तो नहीं बैठा हुआ ठीक है, सबको व्यूज चाहिए, सबको पैसे चाहिए भाई, अगर YouTube से तुम मोनेटाइजेशन पॉलिसी उनकी हटा लो या फिर मतलब समझ लो ये सब हटा लो तो YouTube पे शायद ही कोई आना चाहेगा ठीक है,
तो ये बात हो जाती है। और न्यूज़मैन या फिर नियॉन मैन, जो भी है, न्यूज़ बॉय नियॉन मैन, दोनों सब लोग सेम ही है, तो उनका तो काम है भाई इस चीज़ को कवर करना, ठीक है। तो कोई फ्री का थोड़ी ना बैठा हुआ है भाई यहाँ पे, व्यूज़ के लिए ही सब काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई तुम्हारे लिए तुम पर फ्री में काम नहीं करेगा ना। और जितने भी लोग, ये लोग फैमिली ये वो कुछ नहीं होता है भाई, चुपचाप सपने माँ बाप को देखो बस, और माँ बाप भाई बहन, दैट्स इट भाई, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है भाई। ये जितने भी नंबर्स है, दीज आर जस्ट नंबर, जो लोग तुमसे कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज तुम्हारी हेल्प करते हैं, वो लोग तुम्हारे माँ बाप ही रहेंगे। और मुश्किल है भाई, मतलब क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, हाँ ज़रूर तुम लोग बहुत, जितने भी मतलब हमारे जितने भी ऑडियंस होते हैं, वो लोग बहुत हेल्प करते हैं हमें। बट यहाँ पर मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से अगर बोलूँ तो हाँ भाई, आपके लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ आपके माता पिता ही होने चाहिए, उसके अलावा कोई क्रिएटर नहीं, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं, कोई बॉलीवुड स्टार नहीं, कुछ नहीं। ये मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। और भाई तुम लोग तो मैटर करते ही हो भाई, अगर तुम लोग मेरी वीडियोज़ या फिर किसी की भी वीडियोज़ नहीं देखोगे तो भाई फिर तो क्या ही फ़ायदा, फिर मतलब कोई आएगा ही नहीं। तो ये थोड़ा मतलब गिव एंड टेक का, इसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं होता, ठीक है। तुम लोग मेरी हेल्प करते हो, वीडियोज़ वगैरह देखते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियोज़ के थ्रू, इंटरटेन करो या फिर मतलब जो भी है वो, लेकिन उसमें मेरा खुद का भी स्वार्थ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल्फलेसली आकर के ये करता है, ऐसा नहीं है भाई, कोई भी सेल्फलेसली अभी के टाइम में काम नहीं करेगा जनरली, ठीक है। मतलब इस तरह से सब लोग, मैं भी चाहता हूँ मेरे भी व्यूज़ वगैरह आए, ये भी तो मैं रिएक्शन जो भी कर रहा हूँ चाहता हूँ ना भाई कि इस वीडियो पे व्यूज़ आए। तो फर्स्टली सौरभ जोशी ने यहाँ मेरे अगेंस्ट ये लिखा कि मैं व्यूज के लिए यहाँ न्यूज दिया था। तो भाई ऑफकोर्स यार, यहाँ पे सारे यूट्यूबर्स जो प्लेटफॉर्म में वीडियोस अपलोड करते हैं वो व्यूज के लिए करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, वो यूट्यूब के सर्वर्स को भरने के लिए खाली ऐसे ही वीडियोस अपलोड नहीं करते। तो जैसे कि आप व्यूज के लिए व्लॉग्स अपलोड करते हो, वैसे ही मैं व्यूज के लिए न्यूज कॉन्टेंट अपलोड करता हूँ। देन आपने जो मेरे को यहाँ शेम ऑन यू कहा, इसके बाद नियॉन मैन एंड सौरभ जोशी के भाई साहिल जोशी इस बात को सॉर्ट आउट कर लेते, बट फिर उनको हेट मिलने लगा जब सौरभ जोशी ने पीयूष को गेमिंग पीसी लाके दिया। ये कंट्रोवर्सी बेसिकली वजह हसन एंड सौरभ जोशी के बीच हुआ था। इस कंट्रोवर्सी के चलते सौरभ जोशी को लोग सपोर्ट ना करके वजह हसन को कर रहे थे। सौरभ जोशी के कमेंट सेक्शन में उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था इस वजह से। लोगों का मानना था कि सौरभ जोशी बच्चों को बिगाड़ रहा था। ऐसा सिमिलर इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है जब देखो बात ये है ना कि सौरभ जोशी के वीडियोज खाना खा के आया हूँ अभी, तो बात ये है ना कि सौरभ जोशी की वीडियोस बहुत से बच्चे, आंटीज़ और मतलब बड़े बूढ़े सब लोग देखते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनकी वीडियो से इन्फ्लुएंस होंगे, बच्चे लोग भी देखते हैं इनकी वीडियोस, तो ऑब्वियसली उनकी वीडियो से इन्फ्लुएंस होंगे। तो बात यहाँ पर ये यह हो जाती है कि भाई अगर आप कुछ भी ऐसा अपनी वीडियोज़ में दिखा रहे हो तो मतलब समझ लो आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इस वक्त, ठीक है। और सौरभ जोशी का इस चैनल इज़ लाइक कि वो डेली सोप हो गया है सारी घर की मम्मियों आंटियों सबके लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग बच्चे। सौरभ जोशी ने कुनाली को भी पीसी लाके दिया, इसके वजह से सौरभ जोशी को काफी हेट एंड बैकलैश मिल रहा था। एडन में कुछ यही बोलूंगा कि कुछ बड़े फैन बेस के साथ कुछ बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है। ऑल्सो फेम मिलने के बाद एक फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाता है एंड सम चेंजेस भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग घमंड या फिर कुछ भी नहीं बोल सकते। ऑब्वियसली हाँ, बात है, जब सौरभ जोशी ने इतना मेहनत किया है वहां से यहां तक आया है तो उनके ऊपर। देखो एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, व्लॉगिंग करना या फिर कंटेंट क्रिएट करना बहुत मेहनत का काम नहीं है, ठीक है। अनलेस अनटिल तुम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन वर्क लगा रहे हो, बहुत ज्यादा स्क्रिप्टिंग रिसर्च ये सब जा रहा है, ठीक है। मेरे ये सस्ते से रिएक्शन वीडियोस कुछ नहीं है भाई, मुझे एक फ़ोन कनेक्ट करना है, एक फ़ोन यहाँ कनेक्ट करना है, एक माइक रखना है, जो मन में आए बोल देना है, ठीक है, दैट्स इट भाई। एकदम सस्ता सा कंटेंट कुछ नहीं जा रहा है इसमें, ठीक है। सिमिलरली व्लॉगिंग, यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड पुट इट ऑन द इंटरनेट, इसके अलावा और कुछ नहीं है व्लॉगिंग, ठीक है। लोग अगर तुम्हारी वीडियो से रिलेट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लोग नहीं रिलेट करेंगे देन नहीं पॉपुलर हो गए भाई। सौरभ जोशी के वीडियो से लोग इतना रिलेट किए तभी तो वो पॉपुलर हुआ ना। सो ये बात है भाई, और क्या ही बोलूँ मैं। तो कंटेंट क्रिएट करना एक हद तक बहुत मुश्किल नहीं है या फिर बहुत मेहनत वाला काम नहीं है। तुम्हें एक रूम के नीचे पंखे के नीचे बैठ करके, हाँ भले अभी मैंने फ़ैन ऑन किया हो पता नहीं भाई, मतलब समझ लो भाई तुम्हें एक छत मिली हुई ना भाई, वहाँ पर बैठ कर तुम्हें काम करना है, ठीक है। तुम्हें ब्रेन वर्क ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, और क्या ही बोलूँ भाई। तो
उतना मेहनत वाला काम नहीं है, तो इस चीज़ को ग्लोरीफाई मत करो कि भाई कंटेंट ब्लॉग्स बनाना है बहुत मेहनत, नहीं है भाई, ब्लॉग्स बनाना बहुत मेहनत का काम नहीं है, ठीक है, या फिर इस तरह के जो भी वीडियोस है इन पर मेहनत का काम नहीं है ये वीडियोस। काफ़ी चेंजेस आएंगे तो इसको सीरियसली लेके कोई फ़ायदा नहीं है, सो अपना काम करो, मेहनत करो और अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी ओके दैट्स इट फॉर द वीडियो।